दोस्तों भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली सैकड़ों ट्रेन रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। इस दौरान ट्रेनें कई स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। सभी जगह अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें कई रेलवे स्टेशन अपने फनी नाम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन स्टेशनों का नाम सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अगर आप ट्रेन के दौरान सफर करते हैं तो इन स्टेशनों का दीदार जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फनी स्टेशनों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सिंगापुर रोड, जो कि ओडिशा में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस सिंगापुर की यात्रा के लिए आपको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ट्रेन से सफर करके सिंगापुर पहुंच सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं ओडिशा के सिंगापुर रोड रेलवे स्टेशन की। विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं और भारत के विभिन्न मार्गों पर चलती हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है भैंसा रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना में है। दोस्तों इस स्टेशन से ज्यादा ट्रेनें नहीं गुजरती। इस स्टेशन का नाम 50,000 की आबादी वाले तेलंगाना के निर्मल जिले में स्थित भैंसा शहर के नाम पर रखा गया था। इस रेलवे स्टेशन के नजदीक कई जंक्शन हैं। और इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है हमारे बेवड़े भाइयों के लिए दारू स्टेशन, जो कि झारखंड में है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि दारू एक पेय पदार्थ है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी जगह का नाम भी दारू हो सकता है? लेकिन दारू स्टेशन का शराब से कोई लेना देना नहीं है, केवल इस जगह का नाम दारू है। यह गांव झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। दोस्तों उस रेलवे स्टेशन का नाम है पनौती रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पनौती शब्द भी शायद यूपी से ही निकला है, तो हम बताते हैं इसके बारे में। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक गांव के लोग पनौती नाम से छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव का नाम ही पनौती है। अक्सर देश में बैड लक को लोग पनौती कहते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी रेलवे स्टेशन का नाम भी पनौती हो सकता है? जी हाँ, पनौती रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस गांव की कुल आबादी 2,197 है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने अगले रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम है बीबी नगर, जो हैदराबाद में है। दोस्तों यह कोई बीवी का नगर नहीं है, दरअसल यह हैदराबाद का छोटा सा शहर है। बीबी नगर रेलवे स्टेशन जो हैदराबाद के बेहद ही करीब है। दोस्तों आपको जानकर कैसा लगा इन रेलवे स्टेशन के बारे में? अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम पढ़कर किसी की हंसी ना रुके, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वो 10 से ज्यादा होते हैं तो हम उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।